व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल वाइब्स विद तनीषा। मैं वो करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गाइस, काफ़ी लॉन्ग टाइम से, लाइक बहुत दिनों से व्लॉग्स नहीं शूट हो रहे थे क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहा है मेरे साथ। इसलिए कुछ क्लिप्स आपने इस वाले व्लॉग के पहले भी देख ली, मतलब स्टार्टिंग के पहले भी देख ली होंगी। और लास्ट व्लॉग जो था, जब मैं कश्मीर से वापस अपने ससुराल आई थी, वो वाली में भी देख ली होंगी। ठीक है, अगर नहीं देखी तो जल्दी से जाके आप लोग देख सकते हो। मैं गई थी कश्मीर घूमने के लिए शादी के बाद, तो वो सारे व्लॉग्स डले हुए हैं। अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 7:30 और मैं भी सोकर उठी थी थोड़ी देर पहले। क्या मतलब 7:30 बजे ही मैं सोकर उठी हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ना बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है। और इवन कल तो मैं 10:30 बजे सोकर उठी थी, बहुत ही अजीब सा चल रहा है मेरे साथ। और अभी बस मैं नहाऊंगी और आज गाइस हो सकता है कि मेरी पहली रसोई हो। एक्चुअली दिस इज़ अ थिंग कि जब मैं फर्स्ट टाइम कुछ भी बनाऊंगी, लाइक मीठा वगैरह कुछ भी, तो उसको सबसे पहले पापा जी टेस्ट करेंगे क्योंकि इट इज़ अ नियम। ठीक है, तो पापा जी स्कूल चले जाते हैं जल्दी ही, जिसको नहीं पता, जो मेरे फादर इन लॉ हैं, ही इज़ अ टीचर, तो वो जल्दी चले जाते हैं मॉर्निंग में। बट मैं सोच रही हूँ कि मैं अब जल्दी से नहा के और ज़्यादा कुछ नहीं, बस कड़ा प्रसाद बना दूँ। तो आप पूरा व्लॉग एंजॉय करो। और मेरे बाबा अभी भी सो ही रहे हैं, अभी उठ गए थे, ये पानी करेंगे मेरे लिए। चलो गाइस, गाइस तो मैं चाय से स्टार्ट कर रही हूँ अपना डे। और ये देखो, ये और एक और इंसान है, मैं दिखाती हूँ आपको एक ये। मैं इन दोनों ही भाई बहन से अब बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने इन दोनों से ही बोला था कि मेरे लिए ना फूल डाल देना, अब वो काम भी मैं खुद ही कर रही हूँ। तो चलो गाइस कर लेते हैं। देखो ये फ्लावर्स हो गए हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये दूध चढ़ गया है। अब मैं ज़रा अपनी रसोई थोड़ी सी सजा लूँ। ओके गाइस, सो मैंने चाय बनने के लिए रख दिया है और मैंने अपना स्वास्तिक, मतलब अपनी गैस पूजन कर लिया है एंड लाइक इट फील्स गुड। और आज मैं बनाऊंगी छोले। मैंने रात को छोले भिगोए थे फुलवाए थे कि मतलब समझ जाना आप, ठीक है। और अभी मेरे घर पे कोई आया है तो मैं उनके लिए पानी गर्म कर रही हूँ। अभी मैं ज़्यादा किसी को जानती नहीं हूँ, बस जैसे जैसे जो जो आ रहा है मेरे को देखने के लिए, तो माँ दीदी मेरे को बता देते हैं कि ये हैं, तो मैं थोड़ा बहुत लाइक पहचानने लगी हूँ। चलो गाइस मैं एक मिनट पानी दे दूँ पहले, बैठ। वैसे तुम तुमसे बात नहीं कर रहे हैं, ऑर्डर आया है, उन वो वाली अम्मा आई हैं, मतलब नानी आई हैं, रजौड़ा वाली सासू माँ आई है उनकी, मौसी की। जाओ ठीक है ना, और चाय बिस्कुट बता दो, चाय बन गई है तुम्हारी, एक रील भी ना निकाली गई है दोनों बहन भैया हो गए ना, आपको जरूरत ना, तो मेरा स्वास्थ्य भी कट गया और गैस भी पूछ गई, खराब कर रहा हूँ। गुड जॉब, चाय मेरा स्वास्थ्य, चाय एंड माय हस्बैंड जिनसे मैं बात नहीं कर रही हूँ, पहले में और सबको देने में ये हो गई है ठंडी, अब मैं इनको दे देती हूँ। हाँ बात नहीं कर रही हूँ तुमसे, चाय ले लो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, खाने के लिए नहीं, क्या खाओगे, नमकीन? मैंने अभी चाय ही बनाई है ना सर, ठीक है। क्या खाओगे बताओ। जी वेट गाइस, अब मैं थोड़ी देर उनके पास बैठ जाती हूँ, अम्मा के पास, वो आई हैं। और सर मैं ना, मेरे से बात करने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना है। गाइस मेरी जो सास है ना, शी इज़ जस्ट अ फ्रेंड टू मी, ठीक है, वो मेरी दोस्त हैं, और ये मेरा पति, ये मेरी सास है, और ये मेरे सर पे चढ़ के नाच। बाय गाइस, मैं अभी आप लोगों से मिलती हूँ, वेट। लो कुछ ना, चल लो।
सब हम जा रहे हैं छत पे, गिर जा रहे हैं अगेन। बेटा अब ऐसी मैं भी फिर तुम्हारे साथ ऐसी करूंगी, देख लेना गाइस। जब मैं बड़ी आदमी बन जाऊंगी ना तो मैं भी इनके साथ ऐसी करूंगी। और मैंने इनसे पता है, अच्छा मैं 9 बजे से ना गाइस इनसे कह रही हूँ मेरे कपड़े सुखवा दो, कपड़े सुखवा दो और ये चली नहीं आ जाओ। और गाइस मैं आपको अपनी छत दिखाती हूँ। हे गाइस धूप अच्छी है, प्यारी है। ओ होता है हो जाता है गाइस। बहुत दिनों बाद मैं व्लॉग कर रही हूँ और जो फर्स्ट रसोई वाला इससे पहले आपने देखा है, मतलब अभी इसी में गाइस, उस दिन भी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैंने छोले बनाए थे और मैंने चावल और क्या बनाई थी, चाय बनाई थी, लेकिन उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। अब मैं थोड़ी सी रिलैक्स्ड हूँ और आप लोग यकीन नहीं करोगे ना कि यार तबीयत ख़राब है, तबीयत ख़राब है। तो आपने पहले वाले व्लॉग्स में देखो ड्रिप भी देखी होगी, ठीक है। और ये देखो ये मेरी फाइल JPO हॉस्पिटल की है और ये मेरा अल्ट्रासाउंड, मतलब सब कुछ है यार मेरे पास। आई वॉज नॉट वेल, अभी मैं ठीक हूँ थोड़ी सी। और आज मैं जा रही हूँ गाइज अपने घर रहने के लिए फाइनली। मैं अपनी शादी से अब तक अपने घर पे सिर्फ मैं एक रात रुकने के लिए गई हूँ, मतलब जैसे हम लोग दोपहर में पहुँचे हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग वहाँ से निकल गए हैं। तो आज मैं अपने घर पे फाइनली गाइज रहने जा रही हूँ बहुत ही लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। मैं 2-2.5 महीने बाद आऊँगी गाइज। और बेबा को फीवर हो गया है कल से ये बात सुन सुन के कि मैं जा रही हूँ। और अभी मैं यहाँ पे जवे खा रही हूँ, आप लोग भी खा लो। माँ ने बनाया है जवे और अभी बस हलवाई वाले अंकल आने वाले हैं क्योंकि घर से मेरे को फर्स्ट टाइम लेने आ रहे हैं मेरे घर वाले ना यहाँ पे। तो मतलब सभी आएंगे, जैसे हमारे जो 4 घर हैं उनमें से एक एक दो दो लोग सब आएंगे। तो चलो और देखो गाइस, पर एक अच्छी बात बताऊँ, देखो अच्छी बात क्या, मतलब हंसी वाली बात है, सबके साथ ही होता होगा। जब मुझे आज जाना था ना तो कल यानी कि यस्टरडे वाला कल मेरा 11 बजे सूटकेस पैक हो गया था सुबह को, रात को भी नहीं सुबह को। पापा जी कह रहे बेटा पीहर जाने की खुशी, मैंने कहा हाँ जी। तो और अभी भी मतलब दो चार सामान मैं इसमें डाले ही जा रही हूँ। और ये मेरा हैंड बैग, मतलब सब इतना ज़्यादा सेट है। चलो इस, तो मैं फाइनली अपने घर आ गई हूँ और वहाँ पे मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी जस्ट बिकॉज कि ना बहुत ज़्यादा मतलब देर हो रही थी यार कि चलो ऐसे वाला हो रहा था, तो इसलिए मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। और अब मैं फाइनली घर पर आ गई हूँ हमारी होम स्वीट होम की किचन। लाओ थैंक यू पेन ड्राइव, इसमें मेरी शादी की फोटोज़ वगैरह हैं। तो या और मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, चाबी उसमें है बाथरूम में, सबको पता चल गया पर कहाँ की ये नहीं पता। चलो ये राजमा बॉइल्ड है, मम्मी कह रही थी कि मैं कल बना रही थी लेकिन सब लोग चले गए थे तो इसलिए नहीं बना। और मम्मी की तबीयत गाइस ठीक नहीं है तो मैं बनाऊंगी यहाँ पे राजमा चावल, लेकिन उससे पहले मैं चाय और सोया कटोरी खाऊंगी। सो यस चलो कर लेते हैं। सोया कटोरी मतलब मेरे को ये वाली बहुत पसंद है तो मैंने मंगवा ली।